सरकार ने कचरे को हटाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए। फिलहाल स्वच्छ भारत मिशन भी चलाया जा रहा, लेकिन उनमें किसी भी कार्यक्रम का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहां कूड़े का अंबार लगा हुआ है। स्वच्छता संबंधी नारे, कचरा हटा देने की नसीहत, ये नारे बस नारे ही रह गए हैं, क्योंकि नारों के ठीक नीचे कचरे का अंबार लगा हुआ है। जब भी गोमो के पुराना बाजार से गुजरेंगे तो आपको इस रास्ते से नाक बंद करके ही जाना होगा। डेढ़ दो वर्षों से कंटिन्यू हम लोगों ने साफ सफाई का कार्य किया, लेकिन सिर्फ साफ सफाई करना इसका सटीक उपाय नहीं है। ये हर एक हफ्ते 10 दिन में यही स्थिति बन जाती है वास्तविक, जो आपने देखा होगा अभी। इसका सटीक कोई रास्ता चाहिए हमें, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, आप पीछे देख रहे होंगे कई सारा कोटेशन भी लिखा हुआ है स्वच्छ भारत का, लेकिन आप देख सकते हैं क्या हालत है यहाँ। बरसात आ गई, इसने कचरे की हालत और भी दयनीय बना दिया है। यहाँ के बासिंदे बड़े रोग के प्रति आशंकित हैं। अभी कोरोना काल में उसका भी एक रूप धारण कर कर करके इंसान को प्रभावित कर सकता है। इसके बाद कोलरा, हैजा, स्नेक, मलेरिया, टाइफाइड, तरह तरह की बीमारी इससे पैदा होती है। तो गंदगी जहाँ है स्वस्थ रह जाए, ये बहुत मुश्किल वाली बात। स्थानीय लोग कचरे के बीच रहने को बाध्य है, और कोई बड़ी बात नहीं कि इस क्षेत्र में लोग किसी भी बड़ी महामारी के शिकार हो जाएं। न्यूज 11 के लिए गोमो से राजू की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।